मुझ पर खुश मत होना आई शैतान, हालांकि मैं गिर गया हूँ लेकिन मैं उठूंगा। हम फिर से मिलेंगे क्रिस्टियन, जब लहरें तुझे जकड़ लेंगी, जब मृत्यु अपनी ठंडी बाहों में तेरी दयनीय आत्मा को समेट लेगी, तब मैं वहां मिलूंगा। जा, निकल जा यहां से, निकल जा। आप पीछे हट जाओ एक बार और। देखो तो, सारे के सारे फाड़ दो और उन्हें जला दो, सारे के सारे। अब जल्दी करो, निरीक्षक यहाँ किसी भी समय आते ही होंगे। मैं तुम्हारी जगह पर होता तो बहुत सचेत रहता, तुम्हें हर प्रकार की गंदगी से बचना है। तो यही है वो, तुमने सही कहा, ईमानदार मार्ग खोजी। सच में कैसा पागल है ये। ऐसा है, सपने देखने के लिए तुम किसी व्यक्ति को दोष तो नहीं दे सकते, क्यों जी हटेले, चाहे वो पागल ही सही। वो एक पागल था। सिर्फ एक पागल व्यक्ति ही सीमाओं के उस पार जाने की मूर्खता कर सकता है। नियमों से फिरकर कभी कोई भलाई प्राप्त नहीं कर सकता, मैं हमेशा यही कहता आया हूँ। सीमाओं के पार, क्या वो वहाँ चला गया? हाँ, और सबको पता है सीमाओं के परे मृत्यु के अलावा और कुछ नहीं। क्या ये सही नहीं है? अच्छा, तुम्हारा नाम क्या है? क्रिश्चियन, निरक्षक। मेरा मतलब क्रिश्चियन। आप निरक्षक हैं, स्पष्ट है। और तुम नहीं चाहते कि तुम्हें भी वही लग जाए जो ईमानदार मार्क खोजी को लग गया, वही चीज जो उसे मार्ग से भटकाकर ले गई है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बेशक नहीं, कभी नहीं। ठीक कहा, कागज का एक एक टुकड़ा उठाना मत भूलना, हर एक चित्र और कोई भी लेख। और तुम? जी मेरे निरीक्षक। मेरे पास तुम्हारे लिए काम है। जो आपकी आज्ञा मेरे निरीक्षक। मैं सोच रहा हूं, ईमानदार मार्ग खोजी किन विचारों में था? ऐसा कहा गया है कि किताब को कोई खोज नहीं सकता, परंतु किताब उन्हें स्वयं खोज लेती है। और फिर ऐसा हुआ कि क्रिश्चियन उसे पढ़ने लगा और पढ़ता गया और पढ़ता गया और पढ़ता गया और पढ़ता गया और पढ़ता ही गया। जब पन्नों से स्वयं को अलग न कर सका तो रात भर उस किताब को पढ़ता रहा, पढ़ता रहा, पढ़ता रहा। हाँ,
हमें यहां से निकलना होगा क्रिस्टियाना। उस किताब में ये कहा जाता है और मेरा उस पे पूरा विश्वास है। और ये युद्ध पूरे नगर को नष्ट कर देगा, तो हमें यहां से भाग कर पहुंचना होगा आकाशी नगर, ज्योतियों का नगर। आकाशी? ये सिर्फ एक किताब है क्रिस्टियन। जब तक तुम इसे नहीं पढ़ोगी तो कैसे समझोगी? ये बात सोचते क्या मतलब? तुम मुझसे और बच्चों से कह रहे हो कि हम तुम्हारे साथ हो लें सीमाओं के परे? नहीं क्रिस्टियन, ये सही नहीं लगता है, बिल्कुल भी नहीं। जब से तुम ये किताब पढ़ने लगे हो तो एक पागल की तरह बकवास पे बकवास किए जा रहे हो। इस नगर का विनाश होने वाला है, ये नगर अग्नि की लपेटों में आ जाएगा। मेरे लिए कठिन हो गया है और बच्चों के लिए भी। तुम्हें ऐसे झुके हुए देखकर ये बोझ है। बोझ? कौन सा बोझ क्रिस्टियन? तुम्हारी तो बस हड्डी और चमड़ी रह गई है। जितना अधिक मैं से पढ़ता हूँ उतना अधिक बोझ बढ़ता जाता है, क्या तुम देखती नहीं? ओह क्रिस्टियन, मैं जानता हूँ ये सब पागलपन लगता है, मैं जानता हूँ, पर मुझे तुमसे प्रेम है और हम सब के लिए मैं सबसे उत्तम चाहता हूँ। यदि ये नगर नष्ट हो गया तो मैं नहीं चाहूंगा कि तुम या हमारे बच्चे या इस मामले में कोई और भी उसके साथ नष्ट हो। मुझे तुमसे प्रेम है क्रिस्टियाना। ओह, तो चुन लो। क्या? चुन लो क्रिस्टियन, बच्चों को, मुझे। हम तुम्हें दिन रात इस हालत में नहीं देख पा रहे हैं। तुम्हें अब फैसला करना होगा, हमारे साथ रहना या चले जाना। हम तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे, बिल्कुल नहीं। मेरे निरीक्षक, कोई निशान? निशान? ओ बहुत से, एक तो यही पर है, देख रहे हो ना? हाँ, उस गुम हुए आदमी के मूर्ख। ओ ओ हाँ हाँ बेशक ऐसा है, हाँ और नहीं। हाँ भी और नहीं भी। अब हमने उनके कदमों का पीछा किया सीमाओं के पार तक। ऐसा है निराशा की उस दल दल तक। तो वहां जाकर उसका अंत हुआ? ऐसा है कि और वहीं पर नहीं भी हो रहा है मेरे निरीक्षक। तुम्हारा मतलब क्या है? ऐसा है कि उसके कदमों के निशान दलदल तक गए तो है, और बाहर भी निकले वहां उस ओर, वो जो है वो बाहर का राज्य है। ऐसा लगता है जैसे ईमानदार अब भी जीवित है। हाँ हूँ जीवित। अफसोस अफसोस अफसोस। निरीक्षक ये सुनकर खुश नहीं होगा, क्यों?
जब मुझे स्पष्ट बात सुननी होगी मैं तुम्हें बता दूंगा। सही है, बेशक हम और मूर्ख लोगों को गुम होने नहीं दे सकते। निश्चित है युद्ध से पहले तो नहीं, पर स्वामी को यह बताना होगा। नगर में वापस जाओ और अफवाह फैला दो कि ईमानदार के साथ ऐसा हादसा हुआ कि जिसे बताया नहीं जा सकता। जितना कम तुम बताओगे उतनी ही अधिक उनकी कल्पना उनके खाली दिमाग को भर देगी। वाह, जबरदस्त जबरदस्त योजना है। जाओ, मुझे देर नहीं लगेगी। अभी के अभी मेरे निरीक्षक। स्वामी, अब क्या हुआ? स्वामी, मुझे मेरे पद की याद दिलाने की कोई आवश्यकता नहीं। हाँ, बेशक। आपके दासों में से एक ईमानदार नाम का एक आदमी गुम हो गया है। वैसे सच कहूं तो वो गुम नहीं हुआ है, वो चला गया है बाहर वाले क्षेत्रों में। स्वामी, तो ये बात है। मैं जानता था आप ये समझ जाएंगे स्वामी। वैसे हम पूरा प्रयास करते हैं। तुम्हें कहां से दिखाई पड़ गया कि मैं ये समझ रहा हूं? स्वामी, मैंने सुन लिया है स्वामी। चले जाओ। मैं आश्वासन देता हूं ऐसा फिर कभी नहीं होगा स्वामी। मैं आश्वासन देता हूं। हे प्राणी, स्वामी सचेत रहो। एक मूर्ख में दूसरे मूर्ख को जन्म देने की क्षमता होती है। मैं कर क्या रहा हूं? मेरे पास बस एक यही है, ये नक्शा। क्या होगा अगर मैं समय पर उन्हें बचाने नगर वापस ना लौट पाया? मुझे क्या करना चाहिए? मुझे विश्वास है कि मैं इस प्रश्न का उत्तर दे पाऊंगा। मैंने तुमको यहां नहीं देखा। वो इसलिए क्योंकि मैं अभी अभी आया। मैं हूं सुसमाचार प्रचारक। और अब तुम ये पूछ रहे थे ना मुझे क्या करना चाहिए, फिर मैं तुमसे कहूंगा। भाग जाऊं? सोच विचार ना करो, समय नष्ट मत करो। जो तुम्हें पता है वो करो, जल्द ही तुम वो देख पाओगे जिस पे तुम्हें विश्वास है, और फिर तुम अपने बोझ से मुक्ति पालोगी। वो चीज क्या, तुम उसे देख सकते हो? हाँ, मैं देख रहा हूं। और ये बोझ भारी और रोगों से भरा है, और दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। जिस तरह तुम्हारे दुख बढ़ रहे हैं उसी तरह तुम्हारा बोझ भी। पर तुम इसे अपने आप नहीं उतार पाओगे, मैं भरोसा दिलाता हूं तुम्हें। ये बताओ, वो दरवाजा तुम्हें दिखाई दे रहा है? दरवाजा कहां? ऐसा मत करो, अपने आंसू को मत पोंछो, उनके पार देखो।
कभी कभी आंसू भी अपने आप में स्पष्टता ले आते हैं। मैं अभी भी नहीं अपने दुखों से आगे देखूं। अच्छे क्रिश्चियन मैं ओ रुको, मुझे लगा मैंने देखा है। हाँ मैंने देखा, वहाँ उधर उस ज्योति के पास। बहुत अच्छे बहुत अच्छे, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। उस ज्योति पर अपनी दृष्टि रखो और सीधे सीधे चलते रहो, ना तो दाएं मुन्ना और ना ही बाएं मुन्ना, सीधे मार्ग पे चलते जाना। बहुत अच्छे, जल्द ही तुम पहुंच जाओगे उस दरवाजे के पास। दरवाजे पर फिर तुम्हें बताया जाएगा कि आगे क्या करना है। अब जाओ। ठीक है, जल्दी, समय नष्ट ना करो, भागो। भागू पर क्यों? क्योंकि अच्छे इरादे रखने वाले शायद नहीं जानते कि भला क्या है। वो क्या? भागो। हटीले, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें उससे भी बड़ा मूर्ख बनने से रोक रहा हूँ, लेकिन लगता है शायद तुम बन चुके हो। तुम्हारी पत्नी ने बताया मुझे जो हुआ है, लेकिन बस अब और नहीं। मैं तब तक तुम्हें नहीं छोड़ने वाला जब तक तुम मेरी बात मान नहीं लेते। मुझे वहां पहुंचना है। नहीं, मैं हिलूंगा भी नहीं। ठीक है ठीक है। आखिरकार तो लचीले मेरा सहायक बनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिल गया तो चले अब यहाँ से। ठीक है तो फिर यात्रा सफल रहे। वापस आ जाओ। ठीक है। और तुम कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा मैं सुनूंगा, ये नहीं कहा कि मैं रुक जाऊंगा। ओहो मुसीबत, मेरे लिए रुको क्रिश्चियन। आखिर हम वो सारी चीजें क्यों ना त्याग दें जिनसे हमें प्रेम है? हाँ, क्यों नहीं? क्योंकि जिस चीज का वादा आकाशी नगर का राजा अपनी प्रजा से करता है उसके आगे ये सब चीजें फीकी पड़ जाती है। राजा की परिस्थिति में आनंद की भरपूरी है, फिर दुख ना रहेगा। क्यों? सोने से जड़ी हुई सड़कें। जिस नगर को मैं पीछे छोड़ रहा हूं वो दुष्टता और दरिद्रता से भरा है। ये एकदम सही कह रहा है। तुम दो मिनट चुप रहोगे? तुम बिल्कुल भी सहायता नहीं कर रहे। ठीक है, मैं जिस नगर की खोज में हूं वो भलाई और आनंद वाला है और हमेशा स्थित रहेगा। मुझे वो नगर खोजना होगा ताकि लौटकर मैं दूसरों को वहां जाने का मार्ग बता सकूं। तुम उसके बारे में सब कुछ उस किताब में पढ़ सकते हो, जाओ जाकर पढ़ के देखो। नहीं, मैं किसी किताब के बारे में नहीं जानता, और सच तो यह है कि मुझे जानना ही नहीं है। सबसे पहले तुम्हें इस किताब को लेना ही नहीं था, ये सिर्फ तुम्हें एक सपनों से भरी यात्रा पे ले गई है। जिसकी बात करूं तो मुझे देर हो रही है और मुझे अपना तकिया याद आ रहा है। तो तुम मेरे साथ चलोगे या नहीं, हटीले मस्तक वाले व्यक्ति? मैं तुमसे यही चीज पूछने वाला था। तो मैं देख रहा हूं कि तुम हटीले हो, हालांकि सब गलत कारणों के लिए। चलो आ जाओ लचीले, उसे आगे जाने दो। हमने प्रयास कर लिया। क्या तुमने मेरी बात नहीं सुनी? क्या तुमने इसे नहीं सुना? सोने की सड़कें, कोई दुख नहीं। क्या
मूर्ख मत बनो लचीले। ठीक है तो फिर लगातार परिश्रम और चीजें बिखरती हुई, सोने की सड़कें और कोई दुख नहीं। मिलते हैं, मुझे अपना मन बदलने में कोई कष्ट नहीं लगता। दिख रहा है। क्या तुम निश्चित हो कि तुम अपना मन नहीं बदलोगे हटीले? क्या तुम्हें लगता है कि मैं ऐसा चाहूंगा? मूर्खों, तुम अपनी मृत्यु की ओर जा रहे हो। तुम्हारी बेचारी पत्नी और निरीक्षकों को मेरी तरफ से पूरी खबर दी जाएगी। तो सोने की सड़कें, कोई दुख नहीं। बताते जाओ, बताते जाओ। अनंत जीवन है, हृदय में शांति होगी। राजा की उपस्थिति में नृत्य आनंद, चमकीले वस्त्र। हो, हो, कितनी शांति। तो इंतजार किस चीज का? तो चलो जितनी जल्दी हो सके। ओ तुमने मुझे पुकारा? हाँ, मैंने सहायता के लिए पुकारा। मेरी समझ में नहीं आया तो मैं क्या करता। और देखो मैं आ गया, क्योंकि वही तो मेरा नाम है। आह, धन्यवाद। अब ठीक हो? तुमने सीढ़ियों का प्रयोग क्यों नहीं किया? सीढ़ियां? फिर से छुप गई। राजा ने इन्हें तुम जैसे लोगों की मदद के लिए यहां रखा है। जैसे ही दलदल खाली की जाती है वो जल्द ही उन लोगों के भय, संदेह और निराशा से भर जाती है जो यहां तक पहुंच पाते हैं। तो ये है वो? हां, कीचड़ सी दिखती है, कीचड़ सी चिपकती है, और हम मनुष्यों को कीचड़ के समान नीचे रखती है। पर ये है नहीं, ये भय की गड़बड़ है, ये है निराशा की दलदल। ऐसी जगह जहां तुम्हारे उस मित्र जैसे लोग शुरू करने से पहले ही हार मान लेते हैं। पर वो सही था, पता है? सही। वो लौट गया मेरे अनुसार। पर इस यात्रा पर जो अब तुम जा रहे हो वो दो मन वालों के लिए नहीं है। नहीं, 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 कभी गर्म कभी नरम वालों के लिए भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और ये दलदल मेरे दोस्त,
उन कष्टों के आगे कुछ भी नहीं जो आगे चलकर मिलेंगी। मैं तुमसे एक प्रश्न करना चाहूंगा, क्या तुम आकाशी राजा को जानते हो? उसी ने तो मुझे यहां भेजा है। क्या तुमने वो आकाशी नगर देखा है? निश्चित देखा है। तो सामने से हट जाओ, मुझे पता है कि मार्ग बड़ा कठिन है, मुझे केवल राजा की सहायता की अपेक्षा है। जब मैं अपनी यात्रा जारी रखूंगा, जिसे पूरा करना मेरा संकल्प है। मुझे कायल नहीं होना है क्रिस्टियन, क्योंकि मुझे कोई संदेह नहीं है कि तुम अपना मुख ज्योति की ओर कर चुके हो और अब पीछे मुड़कर नहीं देखोगे। अपनी यात्रा जारी रखो और ये मत भूलना, किसी न किसी रूप में सहायता कभी भी तुमसे दूर नहीं होगी। याद रखूंगा और एक बार और धन्यवाद। शुभ यात्रा। याद रहे, किसी न किसी रूप में सहायता तुमसे दूर नहीं होगी। इस चीज से पीछा छुड़ाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। संसार की किसी भी चीज को देखकर इसे आखिरकार मामला क्या है नौजवान, और ये कौन सी भयंकर चीज है जिसे तुम अपनी पीठ पर लादे हुए हो? ये चीज क्या तुम भी इसे देख सकते हो? हाँ बिल्कुल देख सकता हूँ। वैसे मैं अपनी यात्रा पर जा रहा हूँ ताकि ओहो कहाँ गए मेरे रीति रिवाज। लौकिक है मेरा नाम, लौकिक पहले, समझदार आखिर में, दोनों को कभी मिला मत देना। तुम कुछ कह रहे थे? मैं आकाश नगर की ओर जा रहा हूँ, दरवाजे से होते हुए यहाँ मैं इस बोझ से मुक्ति पाऊंगा जो घंटे घंटे से बड़ा और बड़ा होते जा रहा है। ओ, तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा प्रिय नौजवान, पर ये तुमसे किसने कह दिया कि तुम इससे वहाँ मुक्ति पा सकते हो? एक भला व्यक्ति जो मेरी जरूरत के समय मुझसे मिला। सुसमाचार प्रचारक, बेशक। ओ नहीं नहीं नहीं, और तुम अब तक इतनी दूर चले आए? ओ नहीं 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 नहीं, क्या? बस इतना है कि ये जो प्रचारक है, हाँ ऐसा है, वो थोड़ा सा दिमाग से पैदल है। हाँ वो है उल्लू की तरह सरफिरा, बेचारे का सिर बादलों में उड़ता फिरता है। ओह नहीं नहीं, तो ये सुसमाचार प्रचारक आखिर क्या सोच रहा था जो उसने तुम्हें उस दिशा में भेज दिया जहाँ सिर्फ जोखिम और खतरा ही है, और तुम पर मैं देख रहा हूँ घाव आंसू कीचड़ जिनका अनुभव तुम पहले ही कर चुके हो। तो उस दिशा में मत जाओ जो मूर्खता ही होगी, पर तुम उस दिशा में जाना जो कि बिल्कुल भी, लेकिन लेकिन वेकिन कुछ नहीं, मेरे साथ बहस मत करना। तो सुनो, तुम उस दिशा में चलते जाना। पहले नौजवान, तुम उस दिशा में चलते ही जाना और बिल्कुल नहीं रुकना, चाहे चीजें कैसे भी दिखने लगे, बस उसी दिशा में चलते रहना। जब तक तुम वहां नहीं पहुंच जाते जिस गांव का नाम है नैतिकता, वहां तुम्हें एक पहाड़ मिलेगा। तुम जान जाओगे उस पहाड़ पर हो क्योंकि निशानियां तुम्हें ये बताएंगी, वहां ना कि उस अजीब से फाटक पर जो तुमने मुझे बताया। तुम्हें बताया जाएगा इन कुरूप चीजों से तुम्हें मुक्ति कैसे मिलेगी। कौन जा रहा है वहां?
मैंने कहा कौन जा रहा है वहाँ? मैं मेरा नाम क्रिश्चियन है। मुझे बताया गया था मुझे यहाँ पहुंचकर एक सज्जन व्यक्ति का पता मांगना है जिनका नाम है वैद्यता। एक व्यक्ति तो हूँ मैं किसी प्रकार से, पर एक सज्जन बिल्कुल भी नहीं। मुझे बताया गया था कि आप मुझे इस बोझ से छुटकारा दिलवा सकते हैं। बड़बड़ बंद करो और अपने काम पर लग जाओ, मेरे पास सारा दिन नहीं है। क्या आप ही मुझे इस बोझ से छुटकारा दिला सकते हो? बेशक उतार सकता हूँ। तो क्या कृपा करके क्या आप ऐसा करेंगे? ऐसा है कि अब मैं उतर कर तुम्हारे पास तो नहीं आ सकता। क्यों? मैं एक पहाड़ जो हूँ, तुम्हें पुस्तक आना पड़ेगा। पर कैसे? नियमों का पालन करके। वो कौन से है? बेशक सारे के सारे। कौन कौन से पूछता है? पर यहाँ तो बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा? बहुत ज्यादा? ओहो, नियम भी कभी कम हो सकते हैं। अब आ भी जाओ। तुम चाहते हो ना वो बोझ मैं उतार दूँ, तो आ जाओ मेरे पास। आ मैं जो कह रहा हूँ वो करो। अब आ भी जाओ। तुम अब भी बहुत दूर हो, मैं मुश्किल से तुम्हें देख पा रहा हूँ। बढ़ते रहो बच्चे, बढ़ते रहो। मैं तुम्हारी ओर से तो काम नहीं कर सकता ना। तुमने एक नियम छोड़ दिया, तुम एक नियम से चूक गए। मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं हो रहा। तुम अपेक्षा रखते हो कि मैं तुम्हारी सहायता करूं, जब तुम अपनी सहायता नहीं कर सकते। अब खड़े हो जाओ। अब मैं क्या करूं? कौन? ये कैसे हुआ कि तुम मार्ग से इतनी जल्दी भटक गए? मैं नहीं जानता। ये क्या? चलो उठो, तुम्हें इनके नीचे से निकाल कर बचाना है। आज्ञाएं तुम्हें वो नहीं दे सकती जो तुम खोज रहे हो क्रिश्चियन, वो तो सिर्फ तुम्हें इतना याद दिलाती हैं कि तुम उन्हें पूरा नहीं कर सकते। ये नियम तुम्हारे बोझ को हल्का नहीं कर पाएंगे। क्या कहा तुमने? मैंने कहा तो हम यहाँ पहुंच चुके हैं। जब वैधता नीचे आ गिरती है तब हम अपने मार्ग में पहुंचा दिए जाते हैं, वही मार्ग जिस पर तुमने चलना छोड़ दिया है। वास्तव में ये मेरी गलती नहीं थी। ओ ऐसा है। मैं एक व्यक्ति से मिला, कोई श्री लौकिक समझ। क्या उस बदमाश की बात कर रहे हो? वो कहने लगा कि मेरे बोझ से मुक्त होने का एक आसान उपाय है और मैं यही ना कि मैं अपने मार्ग से भटक गया था। मुझे लगा तुमने सोचा कि राजा तुम्हें अनुचित मार्ग पर ले चल रहा है। ऐसा नहीं, नहीं, ऐसा नहीं। इस दरिद्रता के बोझ को तुमने स्वयं चुना है, अपने राजा द्वारा दी हुई आज्ञाओं को ना मानकर क्रिश्चियन। तुम सही हो, ये मेरी गलती है। मुझे उस लौकिक समझदार की बात मानने की जरूरत नहीं थी। यह किसी और की नहीं, मेरी गलती है और मुझे खेद है। मुझे क्षमा मिल गई। क्या मुझे क्षमा मिल गई? अगर आंसू पश्चाताप के निशान है तो तुम्हारे आंसू हैं। राजा ने कहा है हर अनुचित कदम क्षमा किया जाएगा। चलो खड़े हो जाओ, यात्रा जारी रखो। तुम्हारे पास खोने का समय नहीं है। पर याद रखो क्रिश्चियन कि दो चीजें हैं जो इस पाखंडी ने तुमसे करवाई हैं। पहली यह है कि उसने आसानी से तुम्हें तुम्हारे मार्ग से भटका दिया, और दूसरी उसने तुम्हारी यात्रा की कठिनाई को ऐसा बना दिया जिससे तुम बचना चाह रहे थे। अब अपने आप को दरवाजे के पास ले चलो, पर याद रखना क्रिश्चियन उस मार्ग को फिर से मत छोड़ देना। Ah!
जो बुरी तरह से असफल हुए। पर मैंने तो उसे मार्ग से भटका दिया था। और फिर तुमने उसे जाने दिया। लौकिक समझदार और वैद्यता के हाथों में छोड़ दिया। मैं निश्चिंत था कि वो उसके जाल में आसानी से फंस जाएगा। और अब वो नहीं रहा। तो आप चाहते क्या है? मैं क्या करूं? उसको बुलाओ, सेना को भिजवाओ, जैसे कहा गया है वो करो। ठीक है स्वामी, ठीक है। उसे फट के आसपास भी जाने न दो। उसे रोको, रोको उसे। शांत हो जाओ। पर पहुंच गया, मैं पहुंच गया। यहां से कोई वापस नहीं भेजा जाता है। कौन कौन हो तुम? मेरे प्रिय प्रिय नौजवान, क्यों मैं ही तो हूं दुभाषिया। मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा में थी। और मैं किसी मकान जैसी चीज की अपेक्षा में। चीजें हमेशा वैसी नहीं होती जैसी वे दिखती हैं प्रिय क्रिश्चियन, और कभी कभी जीवन की गिरावट हमको सबसे रोमांचक स्थानों तक ले जा सकती है। उस द्वारपाल ने सही कहा था कि तुम्हें यहाँ सहायता मिलेगी। क्या कोई ऐसी विशेष बात है? ये प्रकाश जैसा तुम्हारा पीछा कर रहा है। जैसा होना भी चाहिए। मैं दुभाषिया जो ठहरी,
मैं वहाँ प्रकाश लाती हूँ जहाँ परछाइयाँ होती हैं। ऐसा है क्या? क्या तुम सच में क्रिश्चियन? मैं सच में क्या? देखती हो और समझती हो? ऐसा है, अब मुझसे ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ आते हुए तुम अंधेरे में से चलकर आए। मैं यहाँ हूँ क्रिश्चियन, ताकि तुम्हें तुम्हारी आगे की यात्रा के लिए प्रकाश दूं। ये सब कौन है? हम राजा के अनुयायी हैं, जो उसकी किताब प्रकाशित मार्ग द्वारा हमें चलाता है। राजा की प्रतिज्ञाएं हमेशा उनके साथ साथ होती हैं और उनकी दृष्टि सदा सर्वदा की चीजों पर है। इसे मन में बसा लो क्रिश्चियन, तुम ऐसे लोगों से मिलोगे जो तुम्हें सही पथ पर चलाने का ढोंग करेंगे और तुम्हें ले जाएंगे केवल कष्ट में। और ये कौन? लालसा, जो बुरे बुरे नखरे दिखाता है क्योंकि उसे चीजें चाहिए। प्यारे लगोगे जब बड़े होकर समझदार बनोगे। सहनशील, जो उस छोर पर है। चीजें जैसी भी आए उनमें वो खुश रहता है। तुम केवल देखना ही नहीं, सर्वेक्षण करना भी सीख रहे हो क्रिश्चियन, बहुत अच्छे। और यहाँ की व्याख्या कुछ ये है। मुझे उन चीजों की संतुष्ट होकर प्रतीक्षा करनी चाहिए जिनकी प्रतिज्ञा राजा ने मुझसे की है, और अपने मार्ग से टलना नहीं चाहिए। जो चीजें तुमने देखी हैं तुम्हारी यात्रा में काम आएंगी, और अंत में अगर तुम सोच रहे हो वो इस पिंजरे में ही क्यों रहता है, तो उससे पूछो। श्रीमान, आप इतनी निराशा में क्यों हैं? मुझे क्षमा करें, मुझे सुनाई नहीं दे रहा। आशा नहीं। वो आखिरी जन, वो तो बड़ा ही अप्रिय था। जैसे कि निराशा हुआ करती है, पर इसका अर्थ क्या था? उसकी व्याख्या तुम्हें निकालनी होगी जब वो समय आएगा। तुम्हारी यात्रा में सहायता के लिए मेरा ये उपहार प्रिय क्रिश्चियन इन शब्दों में संक्षिप्त है। दृष्टि करो, केवल देखना ही नहीं, कान धरो और केवल सुनना ही नहीं है। अब तुम अपनी यात्रा के लिए तैयार हो गए। उन चीजों पर मनन करो जिन्हें आज तुमने सीखा है, ताकि वे तुम्हें याद दिलाती और मार्ग दिखाती उस जगह ले चले जिसके लिए तुम्हारा मन इतना तड़पता है।